What is up guys, Sachin Jangda here and you are watching Sachin's Bio Classes. So guys, welcome back to another video. तो गाइस आज की वीडियो काफी दिनों बाद आ रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही थी. अभी भी पूरी तरह सही नहीं है, बट ये जो वीडियो थी आज की काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और सभी FMG के लिए जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उन सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो ये वीडियो मेरे को लेके आनी थी जल्दी से जल्दी. तो हियर आई एम विद अनदर वीडियो. तो गाइस आज की वीडियो की अगर मैं बात करूं तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले MCI एग्जाम के बारे में, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, नेशनल एग्जिट टेस्ट. MCI एग्जाम जो होता है हम सबको देना पड़ता है. इंडिया जाते हैं हम लोग अब्रॉड, मैं आज बात कर रहा हूँ FMG की स्पेशली. इंडिया वालों को भी देना पड़ेगा नेक्स्ट एग्जाम, बट आज मैं बात कर रहा हूँ हमारे FMG की. तो इस एग्जाम के बारे में सब सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ. सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए इस एग्जाम के बारे में. उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इसका सिलेबस रहता है, कितनी वेटेज किस सब्जेक्ट की रहती है इस एग्जाम में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस कंट्री का पासिंग परसेंटेज ज्यादा है और किस कंट्री का पासिंग परसेंटेज कम है. ये जानने की काफी स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी रहती है कि किस कंट्री का पासिंग परसेंटेज MCI एग्जाम का सबसे ज्यादा रहता है, तो वो चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं. गाइज अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इस एग्जाम से रिलेटेड जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए. तो गाइज जो नंबर वन पॉइंट है हम उसकी बात करते हैं. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एग्जाम होता है MCI का जो एग्जाम होता है, नेक्स्ट एग्जाम जो होता है, ये एक साल में आप दो बार दे सकते हैं, यानी ट्वाइस अ ईयर. और ये दो मंथ जो होते हैं ये होते हैं जून और दिसंबर. आप इन दो महीनों में इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं. ये हो गई नंबर वन इम्पोर्टेंट चीज. उसके बाद मैं बात करता हूँ नंबर टू पॉइंट की. और नंबर टू पॉइंट ये है कि ये जो एग्जाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एक टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. आप कंप्यूटर के ऊपर इस एग्जाम को देते हैं और ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम होगा, यानी ये एक MCQ टेस्ट है जो आपको देना होता है कंप्यूटर पे. अब हम बात करते हैं तीसरी इम्पोर्टेंट चीज की इस एग्जाम से रिलेटेड, और वो ये है कि ये जो एग्जाम होता है ये दो फेजेस में होगा. एक दिन में आपको दो फेजेस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, यानी 150 क्वेश्चन एक फेज में होंगे एंड 150 क्वेश्चन दूसरे हाफ फेज में होंगे. उसके बीच में आपको एक शेड्यूल्ड ब्रेक भी मिलेगा, बट 150 क्वेश्चंस इन फेज वन एंड 150 क्वेश्चन इन फेज टू, यानी टोटल 300 क्वेश्चन हो जाते हैं. और इसके लिए आपका टाइम का जो लिमिट होगा वो भी 300 मिनट्स होगा, यानी 300 क्वेश्चंस पर 300 मिनट्स. ये आपका एग्जाम का जो टाइम लिमिट होगा और जो मार्क्स का सिस्टम होता है वो हो गया. अब हम बात करते हैं हमारी अगली इंपॉर्टेंट चीज की, और जो हमारी अगली इंपॉर्टेंट चीज है उसके अकॉर्डिंग इस एग्जाम में आपको 150 मार्क्स मिनिमम चाहिए टू पास दिस एग्जाम. आपको 150 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 300. ये हो गया हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज. अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट पॉइंट इस एग्जाम में कोई प्रोविजन नहीं होता रीटोटलिंग का और री इवेल्युएशन का. यानी आपने एक बार एग्जाम दे दिया तो दे दिया, उसके बाद आपका रिजल्ट आया तो आया. ऐसा नहीं है कि आप रीटोटलिंग कर सकते हैं या री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता इस एग्जाम में. अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, और हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. यानी जो नेगेटिव मार्किंग की आपको चिंता है वो आप छोड़ सकते हैं इस एग्जाम के लिए, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होगी. तो गाइस ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको पता होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इस एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों को पता होनी चाहिए. तो अब हम आगे बढ़ के बात करते हैं कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए इस एग्जाम के लिए, और कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का जो वेटेज रहता है इस एग्जाम में वो कितना रहता है. तो गाइज हम लोग बात करते हैं इसमें जो सिलेबस रहता है FMG एग्जाम में, जो MCI का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उस सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो 2019 में जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ये देखिए आपको दो डिवाइड किया गया, आपको दो कैटेगरी में आपके सारे सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं. एक होते हैं प्री एंड पैरा क्लिनिकल स्टडीज़ और एक होता है क्लिनिकल स्टडीज़. अगर मैं प्री एंड पैरा क्लिनिकल स्टडीज़ की यहाँ पर बात करता हूँ तो ये फोरेंसिक मेडिसिन जो सब्जेक्ट रहता है उसका वेटेज रहता है 10, यानी 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस. उसके बाद फार्मा का रहता है 13, माइक्रो का 13, देन वी हैव पैथोलॉजी जिसका रहता है 13, बायोकेमिस्ट्री 17, फिजियोलॉजी 17 एंड एनाटॉमी 17. जो हमारा प्री एंड पैरा क्लिनिकल स्टडीज़ है गाइस वो टोटल मार्क्स हो जाता है हमारा 100. उसके बाद मैं बात करता हूँ क्लिनिकल स्टडीज़ की, जो हमारा दूसरा कैटेगरी थी उसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं. देखिए उसमें रेडियो डायग्नोसिस आता है 5, ऑर्थोपेडिक्स आता है 5, देन वी हैव एनेस्थेसियोलॉजी 5, जनरल सर्जरी 32, कम्युनिटी मेडिसिन 30, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी इट्स 30, देन वी हैव ऑटोराइनो 15, देन वी हैव ऑप्थैल्मो
ophthalmo, then we have 15, pediatrics we have 15, radiotherapy 5, dermatology and STD 5, psychiatry 5 and medicine 33. तो ये हो जाता है 200. तो पहला जो कैटेगरी थी उसमें जो प्री एंड पैरा क्लिनिकल स्टडीज थी उसके मार्क्स से 100, यानी 100 क्वेश्चंस, एंड क्लिनिकल स्टडीज के मार्क्स हो जाते हैं 200. तो ये हमारा टोटल 300 क्वेश्चंस का पूरा एग्जाम हो जाता है यहाँ पे. अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ तो ऑब्वियसली जनरल सर्जरी 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 33, एंड देन वी हैव कम्युनिटी मेडिसिन 30, एंड वी हैव गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स इज 30. तो ये हो गया गाइज हमारा जो सिलेबस रहता है उसकी मैंने बात करी आप लोगों के साथ. आई होप कि आप लोगों को सिंपली समझ आ गया होगा कि किस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस रहता है और कितना वेटेज रहता है. तो गाइज हमने देखा कि इस एग्जाम का किस सब्जेक्ट का इस एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस रहता है, कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चंस, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस की. अब हम आगे बढ़ते हुए एक और इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं कि किस कंट्री का कितना पासिंग परसेंटेज रहता है. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है. जो इंडिया से आते हैं बच्चे वो उनका हमेशा ये क्वेश्चन रहता है, उनके दिमाग में हमेशा ये बात होती है कि किस कंट्री का पासिंग परसेंटेज एमसीआई एग्जाम का कितना रहता है. तो उसी हिसाब से वो लोग अपनी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, अपनी कंट्री चूज करते हैं फॉर एमबीबीएस. तो चलिए अब हम उसकी बात करते हैं. गाइज हमने बात की हमारे कि कितना वेटेज रहता है किस सब्जेक्ट का. अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो है टॉप कंट्रीज़ फॉर एमबीबीएस. ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डाटा है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ डाटा नहीं दे रहा हूँ. ये जो पासिंग परसेंटेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर एफएमजी, ये कंट्री वाइज दिया हुआ है. नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं एंड पास परसेंटेज दिया गया है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए. ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ चाइना की. ठीक है, ये डाटा है 2012 से लेके 2014 तक का, जो लेटेस्ट मुझको मिल सकता था जो डाटा वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा है. ठीक है, अब मैं बात करता हूँ गाइस चाइना की. चाइना में 11,825 स्टूडेंट्स अपीयर हुए एफएमजी के लिए, पासिंग परसेंटेज रहा 19%. उसके बाद अदर कंट्रीज, जो इन कंट्रीज को छोड़ के, ये तो मेजर कंट्रीज है जहाँ इंडियन बच्चे जाना पसंद करते हैं, उनके अलावा भी कुछ कंट्रीज हैं, ये वहाँ का 24% वहाँ का दिया गया है. लेकिन मैं इन कंट्रीज़ की बात नहीं करूँगा, मैं जो हमारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनकी बात करूँगा. रशिया की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो 5,950 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर एफएमजीई एंड 18% गॉट पास. ठीक है, 18% आपके पास हुए. उसके बाद मैं यूक्रेन की बात करता हूँ, 3,520 स्टूडेंट्स अपीयर और 19% पास. उसके बाद नेपाल की बात करते हैं, नेपाल का काफ़ी सही है रेट पासिंग परसेंटेज, 21%, 3,163 स्टूडेंट्स अपीयर. उसके बाद कजाकिस्तान की मैं बात करूं तो 858 बच्चे अपीयर हुए एग्जाम के लिए और पासिंग परसेंटेज रहा आपका 21. फिर बात करते हैं बांग्लादेश की. बांग्लादेश में 626 बच्चे अपीयर हुए एग्जाम में एफएमजी में और पासिंग परसेंटेज था 31. तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा बांग्लादेश की, जो है सबसे हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज. ये इसका रीज़न ये भी है गाइज, क्योंकि उन लोगों का जो स्टडी पैटर्न रहता है वो काफ़ी सिमिलर रहता है इंडिया से, और डिजीज़ वगैरह जो स्टडी करते हैं वो भी काफ़ी हद तक सेम रहती हैं. ठीक है, तो ये हो गया बांग्लादेश का 31%, जो काफ़ी सही है. उसके बाद किर्गिस्तान 570 स्टूडेंट्स अपीयर, 18% पास्ड. आर्मेनिया 527 स्टूडेंट अपीयर, 18% पास्ड. तजाकिस्तान 485 स्टूडेंट्स अपीयर्ड एंड 19% पास्ड. एंड फिलीपींस का भी काफ़ी अच्छा है, 431 स्टूडेंट्स अपीयर्ड एंड 25% पास्ड. तो अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छा किसका है, तो सबसे अच्छे की बात में बांग्लादेश आता है नंबर 1, 31%. उसके बाद बारी आती है फिलीपींस की, दैट इज़ 25%. और फिर आता है 21% आपका ये कजाकिस्तान एंड नेपाल. एंड देन वी हैव चाइना, दैट इज़ 19%. और 18% में तो काफ़ी सारी कंट्रीज आती हैं, यूक्रेन भी 19% में आता है. तो गाइज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए इंडिया आने से पहले, जब आप लोग इंडिया से जब आप लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए किसी भी देश में, तो ये डाटा आपका एक बार बनता है देखना. तो ये डाटा हो गया पासिंग परसेंटेज का. तो गाइस हमने सारी बात की एमसीआई एग्जाम से रिलेटेड, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए. उसके बाद हमने जो सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है, किस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है इस एग्जाम में, वो हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि किस कंट्री का कितना पासिंग परसेंटेज रहता है. तो अब एक पॉइंट मेरे से छूट गया था, एक पॉइंट बच गया था, वो पॉइंट मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ. और एक पॉइंट ये था कि इसमें जो अटेम्प्ट का चक्कर होता है वो अनलिमिटेड है, आपको कोई दिक्कत नहीं है अटेम्प्ट की, आप एक बार अटेम्प्ट करें दो बार, अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट होते हैं इस एग्जाम में. तो ये एक पॉइंट था जो मैं डिस्कस करना भूल गया था.
तो गाइज आज की वीडियो बस हम यही खत्म करते हैं। इस एग्जाम से रिलेटेड मैंने सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करी है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन काफी पसंद आएगी, काफी सही रहेगी आप लोगों के लिए अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं अभी से फॉर MCA एग्जाम या फिर इंडिया से आने की आप तैयारी कर रहे हैं MBBS अब्रॉड के लिए। और गाइस अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि लेटेस्ट जो वीडियोस मेरी आती हैं वो आप कभी मिस ना कर पाएं। और गाइस कोरोना वायरस चल रहा है तो आप प्लीज अपना ध्यान रखिए, डोंट बी पैनिक फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक तो बिल्कुल होना ही नहीं है आपको। उसके बाद जितने आप सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं जितना प्रिवेंशन आप कर सकते हैं अपनी तरफ से उतना प्रिवेंशन करें, तो आप आई होप कि आप लोग सेफ रहेंगे। और क्यों ना रहेंगे आप सेफ, अगर आप सभी प्रिवेंशन अपना पूरा कर रहे हैं और पैनिक नहीं हो रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं टाइम पे, तो ऑफकोर्स आप सेफ रहेंगे। तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस अपना ध्यान रखिए। और जल्दी आऊंगा मैं एक नई वीडियो के साथ, नई वीडियो कोई नया टॉपिक होगा उसमें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, मैंने जल्दी आएगी मेरी नई वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए सचिन्स बायो क्लासेस के साथ, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।